Hello and welcome to the show of the Cinema Chronicles once again. Well. Today we have the most chubby, the most vivacious, with the most cutest smile. Yes, you got it. It's Surbhi Tiwari with us right now. Hi Surbhi, how are you doing? Hi Rohan, I'm good. How are you? Yeah, I'm doing good, yaar. आपसे बात करने के बाद तो definitely कोई भी खुश हो जाएगा यार, इतना मौका मिलता है. That's so sweet of you, by the way. Well, आपका अरे इसकी कुछ है, हमें भी बोलिए, कुछ तारीफ कीजिए. इतना बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया हमने. अरे भाई, आप तो मेरे फेवरेट हो, इसीलिए तो मैं दूसरी बार ही आई हूँ अभी आपसे. और अरे वाह, क्या बात है. नाउ आई वांट क्लाउड 10 ना, बाय द वे. सुरभि जी से मेरी तारीफ हो रही है. बाय द वे सुरभि, हाउ आर यू डूइंग? फर्स्ट कैसे चल रहा है आपका, हालचाल क्या है? सब बढ़िया है. आई थिंक सब लोग बहुत परेशान थे स्टार्टिंग में, मार्च अप्रैल मई जून, सबको लग रहा था कि ये क्या हो रहा है एंड कब एंड होगा. अब जब सब कुछ ऑलमोस्ट एंड होने लगा है तो लोगों को लग रहा है कि यार इतनी जल्दी एंड हो गया. सो बट आई गॉट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद माई फैमिली, क्योंकि लाइक सिंस 2010 के बाद से मैं बाहर ही रह रही थी, मतलब फॉर माई स्टडीज देन फॉर माई जॉब. तो अब जाके इतने टाइम बाद, मतलब सिर्फ दिवाली होली और फेस्टिवल्स का नहीं है इस बार, लाइक आई स्टेड फॉर लाइक 7 months. वाओ, राइट यार, इट्स 7 months विद द फैमिली एंड वेरी पॉजिटिव थिंग यू सेड यार, मतलब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने मिला, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. या एंड यार, आई विल कम टू लॉकडाउन क्वेश्चन नहीं लेटर ऑन. वन प्रोजेक्ट व्हिच यू हैव डन इज वुडपेकर. यार दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग नेम, क्या है? मतलब व्हेन आई एम हियरिंग इट, मुझे आई एम थिंकिंग यार इसमें क्या होगा, मैंने देखी नहीं है सीरीज. तो जस्ट टेल अस वुडपेकर, इट्स समथिंग हॉलीवुड फील है इसमें यार, आई रियली फील दैट. क्या है? सो पहले तो रोहन, यू नीड टू वॉच इट, ठीक है? जी, वो ऑफ कोर्स देखेंगे इसके बाद. जी, और वुडपेकर एक्चुअली एक एयरलाइंस का नाम है इधर, जैसे किंगफिशर थी जी, वैसे ही वुडपेकर एक एयरलाइंस का नाम है इधर, और जिनके ओनर होते हैं पराग त्यागी. आप जानते हैं अच्छा. पराग त्यागी को बिग बॉस में, जी जी, ठीक है, शिफाली जरीवाला एंड पराग त्यागी, तो वैसे जी जी तो जी, वो जी, जी, उनके जी. ओनर हैं इसमें. एंड फिर वो जो उनका पूरा स्कैम होता है, पूरा फ्रॉड होता है, और ये पूरी स्टोरी, क्योंकि इसका नाम वुडपेकर है, वेरी सिमिलर टू किंगफिशर, एंड वो भी पूरा एयरलाइंस और यू नो फ्लाइट्स के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, एंड व्हाट ऑल थिंग्स आर यू नो फॉलोड, एंड क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, लोगों के दिमाग में क्या होता है, एयर होस्टेसेस कैसे बिहेव करती है, लाइक काफी कुछ उसमें दिखाया गया है. सो दैट इज हाउ यू नो वी आर 4 girls एंड आई एम वन ऑफ देम. तो मेरी भी स्टोरी कुछ ऐसी है कि मैं भी एक एयर होस्टेस हूँ, रिनी नाम है मेरा. एंड हम सारे जो है कि ऑब्वियसली सपने बहुत बड़े हैं हमारे, बहुत बड़े, सिर्फ एक एयर होस्टेस रह के नहीं है, बहुत बड़े बड़े सपने हैं. एक है जो एयरलाइंस की मालकिनी बनना चाहती है पराग त्यागी के सहारे, एक दूसरी है जैसे कि मैं हूं, जो मेरे को एक बहुत ही बड़े एक बिल्डर होते हैं, मुझे वो मिलते हैं एयरलाइंस में, एंड वो सिंगल होते हैं, वो एजेड दिखाए गए हैं, अनिल धवन है, जैसे आप अनिल धवन जो है वो दिखाए गए हैं. तो मैं कोशिश करती हूँ कि यार सेटल डाउन कर लेती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आई नीड टू सिक्योर माई फ्यूचर. तो ऐसी बाकी दोनों लड़कियों की भी ऐसी स्टोरीज है कि वो कैसे, कोई है जो प्यार के चक्कर में पड़ी हुई है, कोई है जो पैसे के चक्कर में पड़ी है, कोई है जो अपने पिछले पास्ट रिलेशनशिप से इतना थक चुकी है, हार चुकी है कि उसको लगता है यार बस हो गया, यार आई एम डन. सो एवरी गर्ल हैज अ डिफरेंट स्टोरी दैट वे. बाय द वे, अ गुड न्यूज, पार्ट 2 इज ऑल्सो कमिंग सून. ओहो, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस. So this is again you are in there playing the same continuation role, or is it a different role? No, I'm playing the same role because अभी part 1 nice. में काफी चीजें अभी अनकही रह गई हैं, तो 2 में आएंगे. ये अनकही बातें जो होती है ना, वही सस्पेंस होती है. एंड इसके लिए डेफिनेटली हम वॉच करेंगे. वी रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंसेस एंड योर फैंस टू वॉच इट, वुड पैक अप पार्ट 2, बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इवन आई वॉन्ट टू वॉच इट आफ्टर दिस इंटरव्यू. Yes. लेकिन ये प्यार का चक्कर होता है ना सुरभि, हाँ? ये बहुत ही मतलब प्रॉब्लम कर जाता है जिंदगी में, हर एक जिंदगी में प्यार का चक्कर ऐसे होता है ना कि आप सोचते रहते हो यार आगे क्या करें, लाइफ थम तो नहीं गई है, ऐसे हो जाता है. क्या आपके साथ हुआ है कभी ऐसे?
यार एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो प्यार का हो, चाहे वो ब्रदर सिस्टर का, हस्बैंड वाइफ हो, कुछ भी हो ना, अगर वो एक लिमिट से ज्यादा डोमिनेट करने लगे, रिश्ता ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाए देन आपके या वो इंसान के. एक होता है इंसान इम्पोर्टेंट होना, एक होता है वो रिश्ता इम्पोर्टेंट होना. तो मुझे ऐसा लगता है हमें हमेशा से इंसान को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए देन उस रिश्ते को. बिकॉज अगर आपने रिश्ते को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया तो मुझे लगता है कि उस, देखो पहले आता है इंसान, फिर आते हैं हमारे बीच के रिश्ते, ठीक है. अगर अब रिश्ता इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा ना, तो शायद वो आपकी लाइफ ज्यादा इफेक्ट करने लगेगा. तो ऐसे ही प्यार के चक्कर में, जैसे आपने बोला, क्या होता है लोग कोई भी मिला, अब उनके साथ रिलेशनशिप में आए, अब पता नहीं है ना कि वो चलेगा नहीं चलेगा. और चलिए मैं मान के चलती हूँ कि चलेगा, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप जो करना चाहते हो आप वो छोड़ दो. फिर वो चीजें, प्यार एक ऐसी चीज है जो शायद किसी को अच्छा भी कर सकती है, किसी के लिए गलत हो जाए तो किसी के लिए बुरा भी कर सकती है, और किसी के लिए बहुत बुरा भी कर सकती है. वो आपके हाथ में. अच्छा, ग्रेट. ये बड़ा सोशल मैसेज दिया है. जितने भी लोग ये एपिसोड देख रहे हैं, कभी भी अगर प्यार के चक्कर में पढ़ना है तो सुरभि जी का ये इंटरव्यू लिखिए और उसके बाद ही आके पढ़िए. लव गुरु ही है ये, इन शॉर्ट. व्हाट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल थिंग व्हिच यू सेड, वेरी राइटली सेड. क्योंकि व्हाई आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन इज क्योंकि आपके जो वुडपेकर सीरीज है उसमें भी कुछ ऐसा ही है. सो इट्स रेलेवेंट है, इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा. यस, सो बढ़िया. वुडपेकर अनदेखी, वेल वुडपेकर में आप लीड रोल निभा रही है और अनदेखी में एक अलग किरदार निभा रही है. अनदेखी क्या है और दोनों में सिमिलैरिटीज है वुडपेकर के लीड में, अनदेखी के कैरेक्टर में, या दोनों अलग स्ट्रीम्स है जॉनर्स? ओके, तो वुडपेकर में मैं लीड कैरेक्टर में हूँ और अनदेखी में आई एम प्लेइंग कैरेक्टर रोल. और जो अनदेखी है वो डिफरेंस बहुत सारे हैं, जैसे कि वुडपेकर हमने मुंबई में शूट करी है एंड आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई में भी शूट करी है. अनदेखी हमने मनाली में शूट करी है एंड मुंबई में शूट करी है. एंड दोनों में नोन फेसेस हैं. वुडपेकर इज ऑन उल्लू, अनदेखी इज ऑन आपके सोनी लिव एंड हॉटस्टार इस पे है. देन द कैरेक्टर, इफ आई टॉक अबाउट द कैरेक्टर हियर, आई एम अ एयर होस्टेस इन वुडपेकर, जिसमें वो, उसको बहुत ज्यादा जल्दी है बड़ा बनने की, या फिर शी इज फेड अप ऑफ हर लव लाइफ एंड एवरीथिंग एंड शी नोज कि यार भाई कोई साथ नहीं देने वाला, पैसा ले और लाइफ जी अपनी. एक ये है कैरेक्टर वुडपेकर में. अनदेखी में इट्स अ वेरी सटल कैरेक्टर, लाइक आई एम समवन जो यू नो, मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, बट एक बहुत अहम किरदार है जो अनदेखी में, टिम्बा नाम का कैरेक्टर है एक, वो बहुत ही टिम्बा, यस, वो एक दिवाकर नाम के आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं जो बिहार से हैं, उन्होंने निभाया है और वो काफी नोन एक्टर भी हैं. आप देखेंगे तो मतलब काफी इमर्जिंग एक्टर्स हैं, उन्होंने काफी नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम जैसी वेब सीरीज में काम किया है. तो उनकी एक अपनी शॉप होती है, मैं उनकी शॉप पे अक्सर आती जाती रहती हूँ और वो मेरी पिक्चर्स यूज कर लेते हैं. मतलब मैं अपने फोन का रिचार्ज या कुछ कराने जाती हूँ तो वो उतनी देर में कनेक्ट करते हैं फोन और वो मेरी पिक्चर्स यूज करते हैं. फिर मेरी पिक्चर्स कैसे यूज करते हैं और उसके आफ्टर इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वो है. तो मैं बहुत ही सीधी साधी सटल सी लड़की दिखाई गई हूँ, शिमला की टिपिकल, वो स्वेटर्स एंड ऑल क्यूट सा, लाइक दैट. ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस. ये क्यूट सा जो आपने वर्ड बोला ना, वो मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इट गोज विद योर पर्सनैलिटी, इट गोज विद द वे यू आर. ओके, एंड दैट्स द बिगेस्ट थिंग यू हैव, योर क्यूटनेस ही आपके फैंस को, मतलब आपकी तरफ खींचती है. सबसे बड़ी चीज जो आपके कुछ फैंस ने मुझे बोला हुआ है ये, क्योंकि आपके पहले इंटरव्यूज जो ली थी ना आपने चैनल पे जो हमारी आई थी, सो टू ऑफ योर फैंस हैड कनेक्टेड विद मी, सो दे हैड टोल्ड आस्क्ड अबाउट यू. मैं बोला यार we are going to do one more interview with her, that time I'll definitely share her number if she gives me, otherwise you have to follow her on Facebook. ab number ab dengi wo nahi denge show ke baad dekhenge, lekin wo zarur aapko follow karenge is interview ke baad. That's really nice. thank you Rohan for all the amazing lines and words that you took talking about me. Thank you so much. yaar dekhe आप डिजर्व करती हैं. तो अगर मतलब ये कैसा होता है, थोड़ा सा सेल्फिशनेस है यहाँ पे, मतलब अगर आप 10
परसेंट मतलब एक्सपेक्ट कर रही है, 10% अगर आपको होना चाहिए 6 वर्डिंग्स, मैं आपको 100% दे रहा हूँ ताकि आप 10% मेरे लिए भी बोल दे थोड़े। सो स्वीट। अच्छा ठीक है, एक काम करती हूँ मैं ना, वैसे मैं बोलने वाली थी बस अभी, फिर मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ मैं, जब हम नेक्स्ट इंटरव्यू करेंगे तो मैं आपके लिए कुछ लिख के रखूंगी, फिर मैं वो बोलूंगी, आपको क्या लगता है? अरे बाप अरे बाप बाप रे बाप। सो मैं अभी सोच रहा हूँ क्या होगा अगले इंटरव्यू में मेरे बारे में। थैंक्स लॉट, बट इतना भी सस्पेंस मत रखिएगा, मतलब पहले बता देना मुझे क्या आप लिखने वाली है, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक शॉक मिल जाए नेक्स्ट इंटरव्यू में। डोंट वरी, ट्रस्ट मी। थैंक यू। वेल, लॉकडाउन फेस, हाउ हैव यू मैनेज्ड? व्हाट वी हैव हर्ड अबाउट यू दैट यू हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ मूवीज ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ऑन नेटफ्लिक्स, ये क्या सच है? हाँ, बहुत ज्यादा, बिल्कुल, मतलब 110% सही है ये। एक्चुअली जब मैं यहाँ आई अपने घर पे, तो आई हैव अ यंगर सिस्टर, ओके, एंड शी इज इन क्लास 12th दिस ईयर, तो मतलब अब गई है वो 12th में। तो अभी क्या होता है ना कि लाइक ऑब्वियसली शी इज अ किड फॉर मी, मेरे से 6-7 साल छोटी है वो, तो शी इज लाइक कि दी चलो ना कुछ देखते हैं, हाई स्कूल ड्रामा देखते हैं। आई सेड यार क्या, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है ये, छोड़ो ना अभी। देन शी मेड मी वॉच 13 Reasons Why, ठीक है? सो 13 Reasons Why is all about high school stories, और it's a US drama, and उसमें क्या होता है कि बच्चों high school में बच्चों के साथ क्या क्या face करना पड़ता है उनको और क्या क्या होता है, तो I liked it, okay, and I liked the characters as well. सारी मेरी एज के थे, बट वो 17-17 साल के प्ले कर रहे थे, वो अलग बात है, बट इट वॉज नाइस, आई लाइक इट। देन आई वॉच्ड ला कासा द पेपेल, दैट इज द प्रोफेसर, इफ यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ हिम। जी 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 जी, I loved that story. I love the web series. It's on Netflix, and anyone who's not watched it should watch it. It is a French series. Amazing. मतलब इससे best मैंने आज तक कुछ नहीं देखा है। मैंने सारे seasons, शायद 4 या 5 seasons आए हैं अभी तक। मैंने आती आज सब जरा वो चीज देख ली थी। It was very nice. Okay. Very very nice. फिर आपका Hostages पहले देख चुकी हूँ मैं, आपके इस पे आता है Z5 पे, right. वो भी मैंने देख चुकी हूँ, मैं right. दोबारा देखा उसको, टिस्का चोपड़ा मैम की है वो, और रोनित रॉय का वो भी देखा जी. मैंने, देन मैंने मतलब गुलाबो सिताबो फिल्म देखी मैंने, फिर सुशांत की अभी फिल्म रिलीज हुई है दिल बेचारा, मैंने वो देखी, मतलब आई हैव वॉच्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट इज ऑन द आर्या सुष्मिता सेन, आई एम टेलिंग यू, सुष्मिता सेन इज जस्ट अमेजिंग, सिंस द डे आई हैव बीन सीइंग हर, इतनी अमेजिंग वुमन मैंने अभी तक नहीं देखी बॉलीवुड में क्या, इनफैक्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, द काइंड ऑफ ऑरा शी हैज इज ऑल टोटली डिफरेंट, तो उनकी आर्या भी देखी, एंड लाइक मतलब अमेजिंग, आई वॉज टोटली अमेज्ड, तो सभी कुछ देखा है मैंने। मैंने सब देखा है, मेरे को IMDb रेटिंग पे मेरे को बिठा दो। मैं सब करूंगी बैठ के। तो इस शो के बाद ना, इस शो के बाद जो चीजें आपने मुझे बोली है ना अभी, whatever you have told me, I have not got time to watch any of these in the past 2 months because मेरे ऑफिस वाले मुझे छोड़ते ही नहीं है, they started 10 o'clock, रात को 2 बजे छोड़ते हैं हमारी टीम को, तो हम कैसे देखेंगे? But अभी luckily I'm getting some time, so you're going to send me all those video movie list so that I'll watch it on your recommendation. Okay, I'm going to watch those. Well, okay, done. पक्का ना, promise है? हाँ, पक्का, show के बाद मुकरना नहीं है आपको, देना है नाम्स मुझे। I'll send you the complete list, पूरा लिस्ट बना के मैं अभी भेजती हूँ आपको। क्या बात है, नहीं अभी अभी नहीं, अभी नहीं, इंटरव्यू होने दीजिए, उसके बाद हाँ, उसके बाद। नहीं, बट ब्यूटीफुल वर्क, नाइस कलेक्शन, एंड सुष्मिता सिंह डेफिनेटली इज अ ग्रेट पर्सनालिटी, एंड इवन चंद्रचूड सिंह कम बैक इज आर्या, वाओ, ही इज आल्सो, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट, आई वाज लाइक ये मतलब मैं एक्सपेक्ट करती हस्बैंड कौन होगा, एंड देन जस्ट द फर्स्ट सीन में देखा, मैंने कहा ओ माय गॉड, मतलब एक तो पहचान भी नहीं आ रहे थे वो, क्योंकि उनको काफी दिनों काफी सालों बाद देख रहे हैं हम लोग, उन्होंने मतलब आमदनी अठन्नी मुझे याद है, देखी थी मैंने उनकी, जो अक्सर आती रहती है लास्ट फिल्म, जो मैं बार बार रिपीट मोड पे देखती रहती हूँ, क्योंकि वो अच्छी लगती है मुझे, यू नो इट्स लाइक ऑल टाइम कॉमेडी ना, कभी भी देख सकते हो, बट आई लाइक्ड हिम एज एन एक्टर देन ऑल्सो, एंड आई लाइक्ड हिम एज एन एक्टर नाउ ऑल्सो, अमेजिंग वर्क, ही इज वन ऑफ द अंडररेटेड एक्टर्स टू बी फ्रैंक, आई हैव सीन हिज मैचेस, एंड हिज लास्ट वाज नो आमदनी अठन्नी के बाद भी उन्होंने कुछ मूवीज की थी, एंड जैसे जिला गाजियाबाद 2015 में, बिकॉज आई फॉलोड हिज फिल्मोग्राफी, हिज लास्ट रिलीज वाज यादवी द डिग्निफाइड प्रिंसेस इन 2017, व्हिच वाज एयर्ड इन USA, काफी फेस्टिवल्स में, एंड काफी यू नो अब्रॉड फेस्टिवल्स में वो चली है, लॉट्स ऑफ रिकॉग्निशंस, इंडिया में रिलीज नहीं हुई है अभी तक वो, तो
तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग ना, मतलब एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड इज अप्रिशिएटिंग आवर टैलेंट एंड इंडिया में रिलीज नहीं हुई है, वही दिक्कत होती है इंडियन एक्टर्स एंड दिस इज अ पॉइंट इंडिया में रिलीज नहीं हुई है. वाओ, दैट्स अ बिगेस्ट शेड बिकॉज़ वन ऑफ माय फ्रेंड्स अंकुर वेंचुरकर, ही इज आल्सो योर फ्रेंड. He is also one of the movies. Ankur, I know him. I have done a film with him. Yeah, last time we discussed on this point. Yes. You told me about it. Ki Ankur, yeah. So I spoke with Ankur and he said, "Arey Surbhi, teri bhi friend hai." He said, "Haan, Surbhi, meri bhi friend hai. Kyun re baba, nahi honi chahiye kya?" He said, "Nahi. I just poocha aapse." Bolta hai. So, but his also movie was released in some abroad festivals, but India mein aaj tak woh release nahi hui hai. And I think this is the right time where outsiders. कि मूवीज जो अटकी हैं या फिर फेस्टिवल्स में, आई एम स्पेसिफिकली मेंशनिंग आउटसाइडर्स, इट्स राइट टाइम टू गेट देम अहेड एंड उनको और मौके दिए जाए, और जो भी फेस्टिवल्स में मूवीज जा रही है उनको हम यहाँ पे लेके आके रिलीज कर दें. वांटेड टू मेक अगर आउटसाइडर्स कोई एक अच्छी मूवी कर भी लेते हैं तो उनको थिएट्रिकल रिलीज तो मिलती नहीं है जल्दी. Like, जल्दी क्या 80% केसेस में नहीं मिलती है, बाकी देन दे आर लेफ्ट फॉर ओटीटीज, जो कि ओटीटीज अब जाके इमर्ज होने लगे हैं फॉर द पास्ट लाइक वन ईयर से मोस्टली, मैं तो बोलूंगी इमर्ज हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं. नाउ इट इज एवरीथिंग इज गेटिंग डिजिटल, पहले ऐसा नहीं था तो अब ऐसा भी नहीं है. लाइक नाउ मेरे जैसे आउटसाइडर्स दे आर हैप्पी नाउ. Why? Because we think yes. now even if our movie does not release in the theaters, at least it will get an OTT release. तो वो एक चीज है जो हम लोगों को हमेशा लगती है कि चलो यार मूवी में नहीं ले रहे हैं, वो किसी नोन फेस को ले रहे हैं या फिर किसी के बेटे या बेटी या भाई या बहन को ले रहे हैं, एटलीस्ट मुझे यहाँ पे कोई नहीं करेगा ये सब. राइट परफेक्टली सर, परफेक्टली सर. अगला बॉम्बे बेगम्स. वाओ, बॉम्बे बेगम्स, इट्स एट हिज हिट माय माइंड. मेरे माइंड में वो नाम इतना अच्छा लग रहा है मुझे, बॉम्बे बेगम्स बोलने के लिए बहुत मजेदार इन द सेंस वजनदार नाम है. क्या है ये? ओके, तो बॉम्बे बेगम्स की शूटिंग करी थी मैंने दिसंबर एंड जनवरी में, 2019 दिसंबर, 2020 जनवरी, एंड फ्यू ऑफ द लास्ट प्रोजेक्ट्स हैं वो, दो तीन प्रोजेक्ट्स जो लास्ट के हैं उसमें से एक वो प्रोजेक्ट है जो मैंने शूट किया था बिफोर द लॉकडाउन, तब से आई हैवंट शॉट फॉर एनीथिंग मच. बट दिस इज अ रियली अ वेरी डिफरेंट प्रोजेक्ट. This project is from the makers of Lipstick Under My Burqa. And जैसे कि Lipstick Under My Burqa was all about ladies, females, कि उनके साथ क्या होता है. Similarly, as it suggests from the name, Bombay Begums, तो it is all about women again. And the director is same, Alankrita Srivastava ma'am, same as for Lipstick Under My Burqa, same. And the co-director is also same. So the main lead is Pooja Bhatt ma'am is the main lead. Wow. And sab kuch unke around evolve karta hai ki wo Indrani naam hai unka, वैसे मुझे बोल देना चाहिए ठीक है. इंद्रानी नाम है उनका एंड मैं उनके उनसे रिलेटेड हूँ किस तरीके से. तो वो कैसे वो एक अपना एम्पायर बिल्ड करती है, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर वो उसको कैसे एम्पायर करती है, उसके लिए वो क्या क्या रास्ते अपनाती हैं, और उनके राइवल्स कितने हैं उनकी पर्सनल लाइफ में, उनके हस्बैंड भी थोड़ा कैसे उनका साथ रिलेशन है, सब कुछ एवरीथिंग. सो हाउ शी हैज हर राइवल्स, उनके रीजंस क्या हैं, और वो अपने राइवल्स से किस तरीके से अपना एम्पायर बिल्ड करते वक्त वो कैसे डील करती है. So everything is a part of her journey and उनकी journey का part अलग अलग लोग कैसे अलग अलग time पे आते हैं and कैसे affect करते हैं, ups and downs and the high end drama. तो मैं फिर से मैं बताना चाहूंगी कि क्योंकि ये high end drama है तो it was not very much relatable to all the audiences. It was only relatable to the metro cities and everything. जैसे कि life in a metro जैसे film थी ना, तो मल्टीप्लेक्सेस में ही वो चली थी, वो जो सिंगल स्क्रीन होते हैं उसमें नहीं चलती है वैसी मूवीज. तो ये सिंगल स्क्रीन ड्रामा नहीं है, ये उनके लिए नहीं है, ये मेट्रो सिटीज के लिए ज्यादा है ये चीज, वो थोड़ा ज्यादा चीजें दिखाई गई है वैसी. ओके, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया. बॉम्बे बेगम्स, वुडपेकर, अनदेखी, अलग अलग जॉनर्स, अलग अलग नाम, इनकी चॉइस मैं कहना चाहूंगा इनके फैंस से, इनकी चॉइस जो रहती है बहुत बढ़िया रहती है, बिकॉज शी सिलेक्ट्स वेरी
good in few projects, but they hit the mark. Yeah, and the characters are अलग अलग जॉनर्स के होते हैं एंड नेम्स इनको कुछ शी लाइक्स हैविंग सम ग्रेट नेम्स फॉर आर वेब सीरीज और मूवीज क्योंकि नाम सी डिफरेंट है दैट्स द बिगेस्ट थिंग व्हिच यू आई लाइक अबाउट हर ब्यूटीफुल समथिंग यू वांट टू से ऑन दैट सो आई विल टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रोहन बिकॉज यू हैव बीन सेइंग ऑल द गुड थिंग्स इन द वर्ल्ड एंड मुझे लग रहा है कि वो जो लेंथ है आपके लिए जो लिखने का है वो मेरे को लग रहा है 3-4 पेजेस का लिखना पड़ेगा मुझे ठीक है अरे बाप रे सुरभि सुरभि आपका इंटरव्यू चल रहा है मेरा इंटरव्यू नहीं चल रहा है ओके और हाँ अब हम आते हैं इस पे तो हाँ ये तीनों डिफरेंट जॉनर्स हैं जैसे कि वुडपेकर इज मोर अबाउट अ गर्ल हु इज आफ्टर मनी एंड देखी इज मोर अबाउट अ गर्ल हु इज अ सिंपल स्मॉल टाउन गर्ल फ्रॉम मनाली उसकी पिक्चर्स यूज हो जाती है दैट इज हैपनिंग विद ऑलमोस्ट एवरी गर्ल दीज डेज अभी ये साइबर क्राइम एंड एवरीथिंग के चलते एंड तो बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर होगा वो अनदेखी वाला एंड दिस वन नाउ व्हाट डू वी से बॉम्बे बेगम्स इज टोटली डिफरेंट बिकॉज इट्स अ वुमेन सेंट्रिक प्रोजेक्ट तो वो टोटली डिफरेंट है सो यस अब क्या होता है ना कि मैं बताती हूँ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं वुडपेकर लेती हूँ क्योंकि वो अभी सबसे रिसेंट रिलीज है तो लोग जैसे काफी डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स हैं वो देखेंगे कि वुडपेकर में चाहे इसने एयर होस्टेस का किया है ओके एंड इसने एयर होस्टेस का किया है तो अच्छा ओके शी वॉज विद एन एल्डरली मैन देयर शी उसने इसको फंसाया तो अब उसने पैसे के लिए किया अभी क्या होता है ना दिमाग में वो इमेज बैठ जाती है कि एल्डरली मैन को फंसाया पैसे के पीछे थी ग्रीडी थी शी वॉज फ्रॉम अ नाइस बैकग्राउंड लेकिन बैकग्राउंड उसका सीधी साधे वाला था बट और उसका नेचर भी अच्छा था बट द प्रॉब्लम वॉज कि शी वॉज फेड अप ऑफ प्रीवियस रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग एंड शी न्यू कि सेटल होने के लिए यही है तो अभी इमेज वही बन गई है अब अगर मुझे वो इमेज चेंज करनी है तो मुझे दूसरा कैरेक्टर करना पड़ेगा डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स क्या देखते हैं कि अच्छा इसने ये किया तो अभी कोई दूसरा जो मुझे ऑफर आएगा या आते हैं वो वैसा आएगा कि सो अभी क्या है कि आप एक पार्टी में मिलते हो किसी से वहां पे यू लाइक हिम एंड ही इज अ बिग बिजनेसमैन इन हिज लेट 40s समथिंग लाइक दैट यू नो तो आई ऑलवेज ट्राई नॉट टू स्टिक टू व्हाट आई हैव डन अर्लियर और कम से कम मतलब 2-3-4 प्रोजेक्ट्स का डिफरेंस होना चाहिए दोनों के बीच में मुझे ऐसा लगता है आई डोंट वांट टू स्टिक टू जस्ट दिस कि ये लड़की बस यही करेगी या फिर ये लड़की सिर्फ वही करेगी या फिर सिर्फ यही कर ही सकती है नो आई वांट टू कीप इट वेरी डिफरेंट ब्यूटिफुल सुरभि बहुत बढ़िया कहा आपने डिफरेंट जॉनर्स डिफरेंट कैरेक्टर्स आपको रखना है दिस इज आई थिंक यू गो अहेड विद दिस एंड यू गो अहेड अ लॉट बिकॉज यू आपकी चबीने से काफी है आपके फैंस के दिल लुभाने के लिए ऐसे कर इन शॉर्ट कहना चाहूंगा सुरभि अब हम आते हैं एक ऐसे सेगमेंट पे जो हमने आपके साथ लास्ट टाइम नहीं की थी ये है रैपिड फायर ओके ठीक है आप प्रिपेयर्ड है ऑप्शन है मेरे पास कोई और वो ऑप्शन तो नहीं है बट आपको क्वेश्चंस में ऑप्शंस मिलेंगे अच्छा तो आई स्टार्ट राइट अवे विद यू ठीक है फटाफट देना है टाइम नहीं लेना है बिकॉज आई एम नॉट वॉचिंग यू राइट नाउ तो आप वहां पे 3-4 सेकंड लेंगे नहीं बॉस इमीडिएट एक एक सेकंड में आंसर देना है ओके 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 रेडी प्रिपेयर्ड हाँ हाँ ओके तो सुरभि जी के सर वी आर डूइंग अ रैपिड फायर नाउ एंड द फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू इज योर फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन मॉरिशस व्हाई Because I've always thought of it as the best one since I was a child, and I've never got a chance to visit there. Baki, ऐसी सारी खूब सारी जगह हैं जहाँ पे मैं जा चुकी हूँ, and I've already lived that life. But Mauritius, I've never been to, and I really want to go there. Okay, ठीक है. तो अगले बार जब Mauritius जाएंगे, मुझे भी बुला लेना. मैं भी interview वहाँ पे एक मस्त में ले लूँगा. वो beach side में आपके साथ. Genre अच्छा मिलेगा, मुझे backdrop अच्छा मिलेगा. Definitely यार. हाँ. आप most underrated actor and actress. And most overrated actor and actress currently in the industry as per you. Okay, so overrated, I'll first talk about the overrated thing. So most overrated actor is Ranveer Singh. Most overrated actress is Alia Bhatt. But I'll say, मैं इसमें add करना चाहूंगी कि Alia Bhatt तो मैं agree करती हूँ but Ranveer Singh के केस में क्या है मैं overrated इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ roles ऐसे थे जो शायद दूसरे लोग भी कर सकते थे but उन्होंने वो रोल किए वो उनकी अच्छी किस्मत है ऑफ कोर्स बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही वो कर सकते थे ऐसा मतलब मैं नॉट वेरी स्पेसिफिक अबाउट रणवीर सिंह बट टू एन एक्सटेंट एंड आलिया भट्ट इज फॉर श्योर एंड मोस्ट अंडररेटेड ओके अंडररेटेड आई विल से सोचना नहीं है ओके ऋचा चड्ढा फॉर द एक्ट्रेस ब्यूटीफुल
ओके एंड फॉर द एक्टर्स आई विल से विक्रांत मेसी. ओके ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इट इज ब्यूटीफुल आंसर्स यू गिव एंड यू हैव इनसाइडर आउटसाइडर दिख गया मुझे. ओवररेटेड में आउटसाइडर्स आ गए अंडररेटेड में इनसाइडर्स आ गए. ओके कोई नहीं बट दैट्स योर पर्सनल चॉइस. इट्स योर पर्सनल चॉइस. ओके सपोज यू आर इन एन आइलैंड ओके एंड यू मीट दीज पीपल आप क्या करेंगी आपको बताना है. ओके ठीक है आप आइलैंड पे है कोई नहीं उस आइलैंड पे आज वो जो पानी समंदर है एंड तीन लोग है एक सनी लियोन है एक आमिर खान है. ओके सनी लियोन आमिर खान एंड राखी सावंत. राखी सावंत सनी लियोनी एंड आमिर खान. ठीक है आमिर खान से तो मैं कहूंगी अपनी नेक्स्ट मूवी में यू नो वी कैन डू लाइक वी कैन थिंक ऑफ अ रोल और समथिंग लाइक दैट बिकॉज आई लव हिज फिल्म्स द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल आई लव इट. ठीक है राखी सावंत आई विल ट्राई टू अवॉइड. राखी सावंत यू ट्राई टू अवॉइड. आई विल ट्राई टू अवॉइड मुझे नहीं पता. नो कमेंट्स नो कमेंट्स. उसका मतलब हमारी इंटरेक्शन को पता नहीं वो किस तरीके से ले जाए. I have never met her personally though. I could, she's very beautiful, and whatever her profession was, that was what I think right now is she's a very pretty soul, and whatever I've seen in her interviews and everything, I feel that she's a pretty girl with a pretty smile, so I'd like to talk to her. Well, same like you, even I would like to meet her someday because she's a very, very decent soul, Sunny Leone. Yes. Even I have heard from my friends. Yeah. मतलब Bollywood के कई सारे actors हैं उनसे much better उनका nature है. Yes. And I think past जो भी है उनका presently she's very nice, very yes, sweet. Yes. Definitely. Okay. One movie for which you will do anything. मतलब आप मारेंगी भी किसी को. नहीं नहीं मारेंगी मतलब आप murder भी कर देंगी ऐसा. मतलब यार देखो ऐसा तो मैं किसी के लिए नहीं करूंगी बट क्योंकि आंसर देना है तो मैं हाँ. पिटाई कर सकती हूँ किसी की मारू मतलब वैसा नहीं, मतलब दैट वाज जस्ट अ क्वेश्चन. आई नो यू विल नॉट डू इट जस्ट अ क्वेश्चन यू जस्ट हैव टू आंसर. आई नो अच्छा तो दैट फिल्म वुड बी मतलब एज अ न्यू कमर ना एज अ न्यू कमर या फिर आप कोई भी फिल्म चाहते हो जी. एनी 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 एज पर यू. आई थिंक डीडी एंजल. Okay, beautiful, nice, perfect choice, perfect choice. You gave here. If you are offer a content oriented script, yeah, हाँ. properly सुना. अगर आपको content oriented drama दिया जाता है and that has a female love story with it, so would you accept it? If I have been given a content oriented script which has a female love story, yeah, you'll do it. Female love story मतलब lesbian. Yes, yes. हाँ, I'll do it. Definitely, I'm open. For all these roles and all. Beautiful. Good thought. Good thought again. Because cinema has changed. So the thoughts have changed. I think they are accepting it now. So very good. Yes. Last two questions, Surbhi. Hmm? Last two questions. You have to rate them out of 10 acting wise. Yeah? Okay. Akshay Khanna. Akshay Khanna. 9. 9 or 10. Akshay Khanna na? Shah Rukh Khan. Yeah, Akshay Khanna. Yeah, 9, 10. Shah Rukh Khan, 8, 7, 8. 8, 8, 8 I'll give him 8. He's my favorite actor. Next one is pretty interesting option, which I'm asking you. Salman Khan. I think 3, 4. No comments. Let's move ahead. Akshay Kumar. 6, 7. Ayushman Khurana. 9. Okay, beautiful. Nice, good things about Akshay Khanna and Ayushman Khurana. I loved it. Okay, I am asked one last question. Out of the young lot, whom you feel is the most happening and handsome? You have to rate out of 10. Okay. Okay, Varun Dhawan. Hot and happening, no. 6, 7. Okay, Siddharth Malhotra. 8, 9. Aditya Roy Kapoor. We are not rating on the terms of acting and all, okay? Only just looks. No, and no, hot no, and no. Yes. Aditya Roy Kapoor, you said? Aditya Roy Kapoor. Yeah, 8, 9, 8.5. Your favorite Ranveer Singh. Not what and happening. It's like 6, 7. Okay, I got the answer last time only. Shahid Kapoor. See, in his earlier times, अभी मतलब बहुत बड़े हैं वो मेरे से. तो अभी जब उनकी age थी कि वो मेरे बराबर हों young lot में, तो he was very cute. I'll tell you, heartthrob थे वो मेरे. ठीक है, बहुत cute थे इश्क विश्क में वो. But अभी के हिसाब से, if I see Kabir Singh and all, तो फिर हाँ मतलब 7, 7. Okay. रणबीर कपूर.
भाई लुक्स में तो भाई बंदा अच्छा है, ठीक है, सो ही इज हॉट, अच्छा है, हाँ, सो आई वुड बाय द लुक्स आई विल से 9. ही इज आल्सो, ही लुक्स लाइक अ फैमिली मैन, यू नो दैट फैमिली टाइप दिखता है. रणबीर कपूर इज अ फैमिली मैन, 9 out of 10. ओके, आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग ऑन दैट. ही इज अ फैमिली मैन. थैंक्स लॉट सुरभि. लुक्स में मैं लुक्स में ही बोल रहा हूँ, मैं लुक्स में ही बोल रहा हूँ. ओके, मेरी बात है वो लुक्स में छुप गई है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. एनीवेज, थैंक्स अ लॉट सुरभि, इट वाज वंडरफुल. वी गिव यू 9 out of 10 फॉर दिस रैपिड फायर. ओके, 9 out of 10 एंड थैंक्स अ लॉट फॉर टेकिंग आउट योर टाइम. पहले यू गिव अस टाइम, आपके स्केड्यूल से आपने टाइम निकाला हमारे लिए एंड यू केम टू ऑन अ शो एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग. वी रियली लव्ड इंटरव्यूइंग यू. हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस? I've always loved being here on your show, and I've always loved all your questions because I enjoy them a lot, and that is why whenever like I'm offered to come back, I'm always readily available. I'm like, yeah, I am. Come, let's do it. So beautiful, Surbhi. Surbhi, next time when we meet, you're going to put those questions liners, 3-4 page ke mere liye, and then we meet on the next interview. Till yes, then, yes. Best of luck for your future. Best of luck for all your future projects. We'll soon see you on the Cinema Chronicle once again with your 4-pager for me. Yeah. Take care. Thank you, Rohan. Take care. Stay safe. Thank you, everyone. Take care. Stay safe. Okay. We'll soon you back. Take care. Yeah. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot.